রাতি করে দরে রে বাক পাগেছে দিন ভর পানি গিজিয়েন কল পর সারা দুনিয়া কাম কোকে নেহাল হো গেল আর ই সার লোক বা 10 বাজে সুত কে উঠাতা হম অকেলা গার মারাবতানি খায় এক ছাইটি হগা কে ভর হেতা কোন তোরা গার সে হগাতানি কি হাম আপনা कौन बारे? ए हम बानी। हाँ तो बाहर निकल जोर से लागल बा। ए उतरी तब नहीं निकला। अभी चुप चाप निखारा रहा। साला पेट गड़बड़ बा। बदास नहीं के होत। रे साला सो। जल्दी आओ खेत में डनेर बाने के बा। ए जाना मर दे आओ तनी। डनेर बाने के बा। ए छोरा ए निकले लगा तनी। ए रुक। एक और लेडी छटका दी। रे निकल बे की ना रे साला। ना निकलम। छटकी तब निकलम। का हो भैया तू डनर काहे कटला ए हमरा में बात हम काटब ना ए हई ई तो में बा पुछला कथी बा असला बुढ़ाट से बार बार साला डनर काट देता ए रे निकल ला रे रे ई साला ना मान आर फैली से होगा साले 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 अरे भाई खाना बंद कर तो तू साला 2 घंटा हक बे अरे साला पेट खराब हो ए मुठरा देख कर बापा का मार दो चाचा सा ए जल्दी जो ना यार मेरे पास पैसा बहुत कम है काश मैं और पैसा कमा पाता ईएमआई भी भरना है अच्छा ये बात है तो तू कॉपी ट्रेडिंग ऐप यूज क्यों नहीं करता ओक्टा एफएक्स की तरफ से ओक्टा एफएक्स ये क्या है भाई तेरे को ओक्टा एफएक्स के बारे में नहीं पता ओक्टा एफएक्स जो दिल्ली कैपिटल्स का न्यू प्रिंसिपल स्पॉन्सर बन गया है और तो और इंडिया का बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर भी है 2021 में तेरे को पता है इस सब के बारे में मुझे भी पता है इस प्लेटफॉर्म पे एक लिस्ट होती है एक्सपीरियंस फॉरेक्स ट्रेडर्स की जिसे हम मास्टर ट्रेडर्स भी कहते हैं आप अपना मास्टर ट्रेडर खुद चूज कर सकते हैं और उनके फाइनेंशियल रिजल्ट और रिस्क स्कोर को देखकर फिर बेस कॉपी बटन पर क्लिक कीजिए और जो भी ट्रेड्स है वो मास्टर ट्रेडर करेगा वो आपके अकाउंट में आ जाएगा इसका मतलब है जब भी मास्टर ट्रेडर अर्न करेगा तो आप भी अर्न करेंगे इसका कमीशन भी बहुत कम है और आपको पे तब करना होता है जब आपका प्रॉफिट हुआ हो तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा सच्ची हाँ और हर एक ट्रेडर को रैंक भी किया जाता है उनके रिस्क पे 1 से लेकर 6 तक उनके ट्रेडिंग स्ट्रेटजी और प्रॉफिट के बेस पर मतलब फुल ट्रांसपेरेंसी मिलती है यार ये तो सही है तो आप भी अपने पैसों को काम पे लगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाइए और वहाँ पे आपको मिलेगा 15% एक्सक्लूसिव बोनस ऑक्टा एफएक्स बेस्ट ऐप है एक्स्ट्रा इनकम के लिए हट हट ना इससे डनेर काटी हट तुम मर बे आए तो मार के देख ले अगर तू कहना है काटनी नु तो एक बाप का औलाद ना तू कट बे काट 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 के जाओ तू पे हटे ना बीच में ले चला सा अब एक बार मार के देख ले रुक कहाँ जाता रे साला पापा के मारे था मारे दे साला सके तनका से खाली खून निकल जाए दे हाफ मर्डर केस हुई आ कहीं फुल मर्डर हो गई था होके दे तभी तो साला से सुधरी ऐसे ही पापा बुरा आ गया हुआ ए मुठा हां भाई और साला पटकरा चल खींच ले जाओ तू पकड़ी हमार हम चल छोड़ छोड़ ना तई मर दे छोड़ साला छोड़ अरे बाप रे बाप थोड़ी मत करवा के हां मार आ और कटबे रे साला डनेर ए छोड़ साला छोड़ भाग जा से भाग पापा
पिटेला हा? हाँ पिटनी हा, बढ़िया मरलो का सो देखा ना मार के आके तो फुला दे ले हे तो झाट पिटेला हा, खाली आग फुलवा के तो चल आइला तंगे खून निकलो दी तब नु हाफ मर्डर केस होई सुन ले मुठरा जुठरा बिया न मर्डर ने भरा जाए के चाहि न तलाश गिरी लाश चल करे ए हमर झाट गिरी इतना पिटा के नि से तलाश न गिरा लाश गिरे हन साल चलो बियान हम कोन डनेर देखा तनी कौन सा लाके रोक ले बता चलो ए तोरा का भेल रे कुछ बोलत नहीं खस भैया रे झगड़ा मारपीट ना कर के अच्छा ना लागेला ए चल पटी प्रधान मुंह में मुंह के चल जाइए झगड़ा अच्छा ना लागेला चल पापा काट तनी हाली हाली काट साला तन को अपन डनेर नहीं के छोड़ ले पूरा काट भैयो तन का तोनी दोनों भाई हगत खेतवा में हग अब बउआ सजा के होगा ई सर्वस खेत के घर बुझ लेल बा दिन रात ये में लौटात रहता पापा हां अब बोल अब क्या कहता रह भाई सारा से सुबेरे से आके खेत के डनेर काट दे पूरा बराबर कर ले बा और ऊपर से साला हमर सुना लेकिन खेत में हक तो बा भैयो हां मार दी साला सके ए साला तू कथी मार दे साला हमें मुआ दे मार के ए साला अरे बाप रे बाप बाबू रे बाबू बाबू रे बाप रे बाप रे भतरा मारी रे बेटवा चिबौनी भतार के भेज के हमरा भतार के कपार फरवाई ले अगर हमरा भतार के कुछ हो जाए इतनो तो तेरा भतार के घर में जान ले ले घुस जाईती रे रोंडो रे छिनारो रे रारी तोहर भतार हमरा भतार के तो मारे तो हमर भतार मौगा बा कि चुमा लेके छोड़ देता हूं यहां हम काहे लाल बनी ये रांडा रांडी आ छिना छिनी के बात सुने ए मैया भीतर जोता ए जातरे किनारे ए माइलर तुलर भीतर मत जाइए हमनी का कमजोर बनी सरो से चार गोरा बा हमर सुगा सोई चाड़ो से डरा रहता लेकिन तोहनी का टेंशन मत लो हम बनी नू अकेला ही सबनी के काल काटे आई छिनरो के तुमको भतार को छोड़ देगा अरे भतारा मरी तो मारत का ना मारे मार ना मार के देख ले तोहर ढेर बच्चा दे हे सूरज नारायण हे दीनानाथ हे शंकर जी अगर ई मुखिया सही इंसाफ ना करी नू तकरा घर में करी फूट जाई ए सूरज भगवान रहुआ तो उगल बानी सब चीज देखते बानी अगर हाई मुखी हमारा पक्ष में बन जाए दी ना कोई लग तो एक में हारू के सात घाट के पानी पिया दे हम कौन के लेके वो हार जाए भोसरो भागना तो मारम तो लात की पूरा घर में ये उतर जाए चल भीतर जो माई तू भीतर जो हाँ बताओ क्या विचार बतोनी के कुछ विचार ना करम हमनी सा हाफ मर्डर के केस करम माथा फोड़ लेबा सरो सब कौन तोर माथा फरलक ए हम ये तो मरनी साला खीस भरलक हुरमुठा भरल ही बानी उठाई नहीं पाए पा मरनी साले के माथा पर टैक्स सुनत बानी नु मुखिया जी सर्वा के बात का रे साला बनिया काम कइले बारे तू माने तने मुखिया जी हमर बेटा गलती कइलक लेकिन आई चारे बाबू तू मिल के हमरा के मरलक हई देख वहां के दशा ए बंद कर तू बना के दशा ना के दशा एगो सच्चाई बात बताओ तनी मुखिया के नाते जमीन के झगड़ा ऐसन बढ़ गेल बा खास कर अपन यूपी बिहार में झाटपुर जमीन ला पट्टी पटदार में मर हो जाता जमीन सर्व जहाँ के तहे रह जाता लेकिन आदमी चल जाता शमशान आ कब्रस्तान आ तोनियो को ही रास्ता बचल लोगन जब ले तोनी की एक दू लाश गिरी ना तब ले तोनी के मन मना एगो तोनी के हम ये राय दे हम कि बढ़िया वकील बुला लो आ जमीन के ना बिखरा लो जे तोहर निकली से तोहर होई जे उनका निकली से उनकर होई झगड़े खत्म हो जाई हाँ एकदम खत्म हो जाई बारह बढ़िया राय बारूअर मुखिया जी हे मर्दे जमीन आपे वकीला वाले की अमीन हो रे साला रे तू पहले झुलुए पास उतर था उतर साला अमीन हो केला वकील कहाँ गेला अच्छा हमर बात अगर तोनी के अच्छा लागल होई तो ठीक बा आ ना लागल होई तो थाना रख ले बा दरोगा पुलिसो में होबे करी जा के लोगन थाना में गार लिवा बा ठीक बा मुखिया जी हम अमीन बुलावा तानी पूछल ला आधा पैसा दीहन ए चल दे देबौ रे सरवा अच्छा जमीन के लफड़ा बा बनिया से नापी जोखी करा लोग विवाद ना होगे चाहे हम इतने चाहता नहीं हम चला तनी बहुत काम बा हमरा प्रणाम चला लोगन अमीन को बुला के नापी जोखी होको हम तो जानते बानी कि पुलिस की जरूरी पड़ी ए चल बोले दे 50-60 किलो के लाश गिरी दो चार गो
घीच 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 सीधा घीच। लड़का है पोल के एक बिता के रख। उठान इधर सर अपने खेतों में कोड़िया रख ले उरे। यही मैं खींच के रख यही मैं। लड़का है सीधा रख सीधा। है काफी है सीधा ना इधर। सीधा आयु। घस का हो मैं। साला मिनी बतिया था ना। गीदर लेकिन तो लागत। जाय दे बरा लई। अभी ना पे दे साला। हाँ ठीक बा रह दे वही जगह। आ एगो ढेला रख दिए। लड़का है कौड़ी लेके बर दखिन वारी तरफ। सरवा को नपाई ना पाथो रे साला जमीन बा कहां ना पाथो कहां आ जा बहु लागत हो नाप लेलु सरवा। हां चल हमर झाट के नपाई ना पड़ना बुझलौ हा हम का जानी रे चाचा एने आई है समझी है दू करी जे जमीन बा हम कछु ना समझी ले हम पढ़ लिखल ना बानी हमर बेटा आवत आ ओकरा के समझाई काती समझावत रहो तनका ठीक से समझाई हा जूठा नाम बा हमार। हम का करी जूठा नाम होता अगला आदमी के जमीन तोरा जमीन में एक हाथ निकलता ई सर वो अगला आदमी कौन बारे तोर पटीदार और कौन नापे आवे लो नापे का चाचा बड़ा डनेर काटत ल ह आ मुठिया ल हमार एक हाथ उल्टा तोरे में निकल गे रे साला हाथ में का रे रे साला रे साला रे साला रे साला रुक आ साला जमीन ले बे आओ ए टांग ले हट हट ए नापी हमको नहीं है क्या मीन तू सरवा के नापे होता साला वो गलत नाप पता हम नहीं मानेगा ए नहीं आता तो काले बुलाया है हमको अपने से नाप लेते ना मन में तो दूसरा मीन बुलवा के ना पाले हम झगड़ा करे के नहीं की चाहत ए सब बोलेबे करो फिर से कल दूसरा मीन आई आ जमीन ना पाई। हां भाई जो मकई तिवारी के बुला के ले आओ। ए साला चल घरे यहां दूसरा मीन आई अब फिर जमीन ना पाई चल चल एक हाथ निकलता सरहु के। ए चल हमने के झगड़ा नहीं के करे के बा बुलावे दे साला के जो नमीन बुलावे के है। ए बुए बोल के नहीं रखे नहीं है ने। हाँ है ने डनेर से बाहर। आजो बोस आजो कर लेके हो गेल के का भेलो एकरा पहले के नपले रहलन सैफ जी। सैफ जी देखा एकरा पहले जो नापी भेल रहे उ सहीये भेल रहे और पोल से दू करी जमीन इंकर निकला तो तोरा में। ए सुनो ना मकई नु नाम हो तोहर तनका सो समझ के बोलल कर न त भूजा भूजे में हमरा देर ना लागले ए जंग भूज के रख दे हम ज्यादा बोलत रे लइका समझ तरेगा 42 साल का उम्र 42 साल का तो आले खाने का जेने तेने घुमाता हटो ने भूजा भूजी। चलो हम बताओ तो जमीन कहाँ ले निकल बा यहाँ तक ले जमीन निकल बा पीला ले के हाल आला हम चलो तनी अपन तोनी फरिया ला तोरा गार में दमत हला ल ए तो तू रोक लेबे का रे त हलाव न रे साला हलाव ना आज पिलड़े हली नहीं त लासे हली। ए तू लासे लेबे साला दू दू बेर जमीन बोला के नापी करवे ले तहियो तोरा संतुष्टि ना भेल। हां ना भेल ना होई तू हलाव ना पहिले। ए साला बहुत बार चढ़ के बोला तेरे बहुत बार दास कर लेनी देखा तनी कौन भरे से रोक ले बता आ लिया कोदारी हम भरम साला के। ए भरे दे आज मुर्गा खस्सी ना आदमी के कीमा बने आदमी के कीमा बने मेरे बनाओ तो हट 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 ला कोदारी। ए तुम्हारी भरे घरे मार दे साला के चाकू। ये
करके चल क्यों क्यों एक जमी के टुकड़े के लिए इंसान एक इंसान की कत्ल कर देते हैं और इस तरह की घटना हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा हमारे यूपी और बिहार में रोज होते हैं। कब तक ऐसी घटनाओं की सामना करेंगे आप लोग। और आज ही देख लीजिए 2 फीट जमी के लिए 2 परिवारों में एक का कत्ल हो गया। कल जो जमी जहाँ था आज भी जमी वहीं पे है लेकिन इंसान नहीं है। मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगा हिंदुस्तान के पूरे आवाम से कि जमी के लिए इस तरह की वारदात ना करें प्लीज़।